तो फाइनली पुष्पा 2 का टीजर आज रिलीज कर दिया गया है और ये जो टीजर का टाइम लेंथ है लगभग 1 मिनट 8 सेकंड है और 1 मिनट 8 सेकंड ही काफ़ी है ये समझने के लिए कि ये पुष्पा फिल्म 2 जो है ये किस लेवल पे बनाई गई होगी। ओ माय गॉड, क्या विजुअल्स दिखाए गए हैं, कमाल का है यार, मतलब खतरनाक वाला विजुअल्स इसमें दिखाए गए हैं। टॉप क्लास के आपको म्यूजिक दिखने वाले हैं, टॉप नॉच के इसमें आपको सिनेमेटोग्राफी दिखने वाले हैं, क्या कमाल का है यार, बैकग्राउंड स्कोर टॉप नॉच के दिखने वाले हैं। सब लोग तो उम्मीद कर ही रहे थे कि जो पुष्पा पहले रिलीज हो चुकी थी वो किस लेवल पे फिल्म हिट हुई, वो तो सभी को पता है। और पुष्पा 2 से भाई उससे कहीं ज़्यादा लोग उम्मीद लगा करके बैठे थे कि ये जो फिल्म रिलीज होगी ये बॉलीवुड, मतलब बॉलीवुड छोड़ दो यार, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अभी तक जितने भी फिल्म बनी होगी सबका ये रिकॉर्ड अकेले ये फिल्म तोड़ने वाली है। और ये जो 1 मिनट 8 सेकंड का जो क्लिप है ना, ये सिर्फ आगाज़ है कि हाँ मैं आ रहा हूँ सारे रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए। तो भाई आप लोग कमर को कस लो, इसमें जो आपको दिखाया गया है ना ये साफ अलग इसका कहानी होने वाली है। जहाँ आपने पुष्पा में देखा होगा कि वो एक नॉर्मल से व्यक्तित्व के इंसान दिख रहे थे, इसमें आपको जो टीजर दिखाया गया है ना इसमें ये पता नहीं क्या इसमें कहानी या कंटेंट का क्या डिमांड रहा होगा कि इसमें वो एक साड़ी पहने हुए हैं। जो टीजर में दिखाया गया है वो पूरे जैसे देवी का स्वरूप नहीं होता है उसी तरह से पूरे कॉस्ट्यूम वो पहने हुए हैं, आँखों में काजल लगाए हुए हैं, अपने चेहरे पर जो है चंदन टीका है। भाई साहब डरावना लुक है, शानदार लुक है, जिसको देखने के बाद आप गारंटेड ये किसी को भी बोल सकते हो कि हाँ ये फिल्म इतिहास रचेगी और रचने वाली है। बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में, तो कुछ पता नहीं है यार, इस टीजर में कुछ दिखाया ही नहीं गया है तो कहानी आपको क्या पता चलेगा। बस इतना जान लो कि जो भी कहानी होगी इस टीजर में जो दिखाया गया है ना वो एक शायद कह सकते हो कि देवी पूजा हो रहा है, माता काली का भी आपको एक बड़ा सा मूर्ति है, वहाँ पे अल्लू अर्जुन है। पहला सीन ही आता है उनके पैरों से शुरू होता है जिसमें वो पायल बांधे हुए हैं, उसके बाद एक सीन है जिसमें वो अपने पैरों से साड़ी का जो पल्लू होता है उसको घुमा करके अपने हाथ में लेकर के और कमर में बांधना, उसके बाद एक और सीन है जिसमें चाकू से अपने माथे पर वो कुछ लाइनें खींच रहे हैं, हो सकता है कि यार उनका अलग स्टाइल होगा तिलक लगाने का। उसके बाद आपको वो त्रिशूल को नचा रहे हैं, चारों तरफ घुमा रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है वो तो जब फिल्म रिलीज होगी तभी पता चल पाएगा। उसके बाद वहाँ पे जितने भी लोग हैं वो एक टक लगा करके अल्लू अर्जुन को देख रहे हैं, तो भाई वहाँ पे कुछ ऐसा सीन हुआ होगा। और इस टीजर के लास्ट में ही देख लो ना, बहुत सारे गुंडों को वहाँ पे धुलाई किया जाता है अल्लू अर्जुन के द्वारा, और क्या शानदार तरीके से एक्शन वहाँ आपको देखने को मिलने वाला है। जितने भी चीज़ दिखाए गए हैं वो अच्छे नहीं हैं, बहुत अच्छे नहीं यार, उससे भी कोई शब्द होगा ना टॉप नॉच के हैं। मतलब जो भी देख लो यार, इसके कॉस्ट्यूम देख लो, VGM देख लो, म्यूजिक देख लो, सभी यार कमाल के हैं। इसके जो म्यूजिक है ना जब ये टीजर शुरू होता है, मतलब यार वो जब म्यूजिक कान में पड़ेगा ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इस टाइप के म्यूजिक है इसमें। और जब ये फिल्म रिलीज होगी ना तो सुनामी आने वाला है भाई, हॉल तो बहुत दिनों तक आपको हॉल में सीटें नहीं मिलेंगी, अगर पहले से बुकिंग करवा के नहीं जाओगे फिल्म देखने के लिए सीट मिलना पॉसिबल नहीं होगा आप लोगों के। इस फिल्म का जो स्टोरी है, स्क्रीन प्ले है और डायरेक्शन जो है वो सुकुमार के द्वारा किया गया है, और भाई इतना ही देर में आपको पता चल गया होगा कि क्या डायरेक्शन किया गया होगा इसमें। कास्ट की बात करते हैं, अल्लू अर्जुन है ही, रश्मिका मंदाना तो दिखने वाली है ही, और बहुत सारे ढेर सारे इसमें एक्टर कमाल के दिखने वाले हैं। तो भाई अभी से तैयार हो जाओ, ये फिल्म अगस्त में रिलीज होगी, 15 अगस्त को तहलका मचने वाली है। उस दिन तो 15 अगस्त का तो एक पावन त्यौहार होगा ही, और भाई साहब ये भी फिल्म एक त्यौहार से कम नहीं होने वाला है उस दिन। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो देख करके आप लोगों को काफ़ी मजा आया होगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे अभी अभी आए तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, बेल आइकन होगा उसको जरूर प्रेस कर दो ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, जय हिंद।